ऐशबाग में एकता जागरण समिति द्वारा मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दिन भर चले भंडारे में लोगों को बूंदी पानी शरबत कढ़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया और शाम को चाउमीन मैक्रोनी तथा आइसक्रीम लोगों के बीच बांटी गई। भंडारे के आयोजन समिति के संयोजक हरीश कनौजिया, अमृत कनौजिया, अंकित दीपू, राजू, आकाश, नीरज देव, हर्ष सक्षम, अंश, सुरेश, पवन, हर्षित, सचिन, अरुण आदि ने मिलकर इस भंडारे का आयोजन करवाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये लमसम 28 साल के चल रही है और हम लोग जो है लमसम साल में 11-12 प्रोग्राम 15 प्रोग्राम करते ही करते हैं, जो भी हम लोग क्या कहते हैं मदद हो जाए, किसी सेवा हो जाए। जागरण की हमारी टीम जो है वही लगी रहेगी, कभी ब्लड डोनेट करती है तो कभी कोविड जैसे हालात में जो है हम लोग ने खाना बंटवाया हॉस्पिटलों में जाके, या ये आपका जो है जहाँ जहाँ जो है गरीब उनका वहाँ पर खाना बंटवाया हॉस्पिटलों में। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचे और हमारी समिति जो है एक अच्छे रूप में दिखाई दे कि हम लोग कोई कार्य करते हैं और जरूरतमंद ब्लड भी डोनेट करते हैं, इसी सब के उस में हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। इसमें आग के भंडारे का उद्देश्य ये है कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, पहले तो हमारी बड़ी टीम है इसका समिति की, जिसमें जो है कई लड़के हैं, संदीप जी हैं, सोनू जी हैं, दीपू जी हैं, ये हमारे अमित जी हैं, सुनील भाई हैं, ये हमारे जो है भैया आदित्य जी हैं, पीछे निशान वाजपेयी जी हैं, चंदन जी हैं, ये सब लोग जो है प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम को भव्य बनाते थे। अब जो है ये बेबू जी हैं, इन्होंने कहा ये छोटा भंडारा होना चाहिए, इनकी पूरी टीम ये देखिए लगी हुई है छोटी छोटी, इन लोगों ने सब मिलकर कहा ज्यादा भंडारा होना चाहिए, इन लोगों ने 100-150 रुपये मिलों के जो है भंडारे का इंतजाम किया, 2000 रुपये इन्होंने इकट्ठा किया, मेरे हाल में क्या भंडारा होना चाहिए, सबने जरूर होना चाहिए। तो उस भंडारे को हम लोगों ने उस अच्छा रूप देते हुए भव्य भंडारा करने के लिए सोचा, एक कढ़ी चावल हो जाए और ये आपके सामने जो है एक्स्ट्रा भेज या शरबत दे रहा हुआ है, शाम को मैक्रोनी चाउमीन पास्ता की व्यवस्था है और हाँ छोले भटूरे की व्यवस्था है। तो आपकी संस्था द्वारा आगे भविष्य में क्या क्या कार्यक्रम? भविष्य में यही है कि अभी 7 तारीख को हमारी जगन्नाथ यात्रा, हमारे मोहल्ले में बहुत प्राचीन जगन्नाथ यात्रा होती है, 70 साल हो जाएंगे, मास्टर कन्हैया लाल के लिए गलती है पीली गलती खत्म होती है, जिससे जो है हमारे अध्यक्ष जी जो है गुलशन जौहर जी हैं और संदीप शर्मा जी हैं, साकेत शर्मा जी हैं और उससे जो संरक्षक हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनके नेतृत्व में जो है जगन्नाथ यात्रा निकलती है और हम लोग पूरा मोहल्ला मिलकर उस पर भव्य रूप देते हैं और कोशिश ये करते हैं यहीं पर आपको 7 तारीख को फिर भंडारा मिलेगा और पूरी टीम हमारी लगती है जगन्नाथ यात्रा जैसे ही खत्म होगी फिर हमारा जो है अक्टूबर के महीने में जो है नवरात्र चालू होगा, तो हम लोग नवरात्र पे फिर काम करना चालू कर देंगे, जिसमें यहाँ 13 दिन का नवरात्र उत्सव चलता है, उससे बाद जो हमारा जागरण होता है 13 अक्टूबर को जागरण है, बाबू जागरण है, शाम को भंडारा होता है, फिर दूसरी शोभा यात्रा निकलेगी 14 अक्टूबर को, 15 दिन व्यस्त करके जो है 16 अक्टूबर को विशाल भंडारा, शाम को यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम। चैनल देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।